नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष, हाज़िर हूँ बहुत अच्छी सी टिप्स के साथ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने YouTube की जो नई पॉलिसी है उस पर खरे कैसे उतरे, यानी 4000 घंटे का वॉच टाइम कैसे लाएं अपने चैनल पे। तो कुछ सवाल थे जो लोगों ने किए थे मुझसे। एक सवाल ये था कि आप जो YouTube की पॉलिसी लागू होगी कब से लागू होगी, यानी 16 जनवरी से, ठीक है जी, लागू हो चुकी है जैसे। अब बात यह है कि हमारा जो वॉच टाइम काउंट किया जाएगा वो कब से काउंट किया जाएगा। मैं आपको बता दूँ, अभी जो आपका वॉच टाइम है, ये सब छोड़िए, अब से आपका वॉच टाइम काउंट किया जाएगा। बहुत से लोगों मतलब ये ना करें, मैंने तो एक साल मेरा हो भी गया, अब तो मेरा चैनल पे मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अब जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, तो इस अनाउंसमेंट की डेट के आपका वॉच टाइम जो है काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से लेके आपका एक साल तक का वॉच टाइम देखा जाएगा। तो बस शुरू हो जाइए 16 जनवरी से, ठीक है। 16 जनवरी से आपका 2018, तो 16 जनवरी 2019 तक आपका वॉच टाइम जो है काउंट किया जाएगा। तो ये ऑडियो ब्रॉडकास्ट है तो ध्यान सुनिए, यानी हमारे पास एक साल है, एक साल है हमारे पास 4000 घंटे का वॉच टाइम लेने के लिए। तो वॉच टाइम जो कोई वो नहीं, सबसे पहले समझिए कि 1000 जो भी 1000 सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत ही छोटे हैं। देखो दो टर्म में कंडीशन दी हैं, एक तो ये है कि 1000 सब्सक्राइबर्स, दूसरा है 4000 घंटे का वॉच टाइम। तो मैं आपको बता दूं, 1000 सब्सक्राइबर बहुत ही छोटी चीज़ है। जब आपके चैनल पे 4000 घंटे का वॉच टाइम होगा तो 1000 सब्सक्राइबर आप बहुत ही ईजिली ले सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि 4000 जो घंटे का वॉच टाइम वो एक्चुअल में है क्या। देखिए सबसे पहले बता दूँ, 4000 घंटे, एक घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो सबसे पहले इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 60 यानी 240000 मिनट। अब मैं बताऊँगा अभी काउंट कैसे होगा। सबसे पहले तो अगर आपकी वीडियो 10 मिनट की है, कोई 8 मिनट की, कोई 7 मिनट की, कोई 6 मिनट की, अब कोई व्यूअर है वो कोई 3 मिनट देखता है, कोई 2 मिनट देखता है, कोई 1 मिनट देखता है, तो आपका इस तरह से व्यू जो व्यू है वो काउंट हो जाता है। 1 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट से काउंट हो जाएगा, 10, 20 इस तरीके से होते रहेंगे। तो आपके जितने भी एक साल के अंदर जो काउंट होगा, अगर वो सब मिला के 240000 मिनट बैठता है, तो यानी 4000 घंटे बैठता है, तब आपके अकाउंट जो भी चैनल है उससे मोनेटाइजेशन ऑन कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि मोनेटाइजेशन कैसे ऑन कराएं, यानी 4000 घंटे टाइमिंग कैसे लाएं। तो देखिए सिंपल बताऊँ, एक टॉप ट्रिक बताता हूँ आपको। सबसे पहली बात तो ये, बिल्कुल ट्रेंडिंग पर वीडियो बनानी है। जैसे अभी मैं आपको बता दूँ, अभी सर्च क्या किया जाएगा, YouTube पे वॉच टाइम कैसे बढ़ाएं, बिल्कुल यही सर्च किया जाएगा ना, YouTube पे वॉच टाइम कैसे बढ़ाएं, YouTube के सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, ये सब बहुत पॉपुलर होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा सर्च होने वाला है। तो आज ही से इस पर एक वीडियो बना दीजिए और डाल दीजिए, क्योंकि जब तक ये कीवर्ड सर्च करेंगे गूगल के और यूट्यूब के, उसमें आ जाएगी सर्च में, तो सिंपल आपकी वीडियो भी उनकी लिस्ट में दिखाने लगेगी। तो जैसे जैसे आपके जो व्यूज़ हैं वो ऑटोमेटिक बढ़ेंगे, और इंसान ये कंटेंट बहुत ही ध्यान से देखता है, तो अपने कंटेंट पे भी ध्यान देना है, यानी आपके कंटेंट में बिल्कुल एक सच्ची जानकारी होनी चाहिए जो इंसान बहुत ही ध्यान से सुने, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी बोल दिया, तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनने वाली वीडियो बनाएं, क्योंकि ये इस मामले में इंसान कोई भी रिस्क नहीं लेता और बहुत ही ध्यान से आपकी पूरी बात सुनता है, जैसे आप मेरी बात सुन रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से वीडियो जितना भी व्यू है वो काउंट होता चला जाएगा जितनी लास्ट तक आपकी वीडियो देखेगा। तो मैं आपको बता दूँ, आपको ध्यान रखना है सबसे पहले बिल्कुल ट्रेंडिंग वर्ड, जैसे मैंने आपको बता दिया। अब अगर मुझसे आप पूछना चाहते हैं कि ट्रेंडिंग में कैसे मालूम करूँ, तो वो भी आपको बता दूँ, क्या आपने यूट्यूब पर जाएंगे ट्रेंडिंग पेज से, वहाँ मिल जाएगा। बाकी किसी भी बड़े यूट्यूबर से आप देख सकते हैं, बड़े यूट्यूबर जो है वो यही ट्रिप्स अपनाते हैं, वो क्या करते हैं, जो भी बिल्कुल ट्रेंडिंग का होता है वही अपनाते हैं। अब मैं आपको बता दूँ, टैक टॉक्स से समझते हैं, टैक न्यूज़ देते हैं वो लोग, तो टैक न्यूज़ में क्या देना है आपको, टैक न्यूज़ है उन लोगों की तरह टैक न्यूज़ नहीं देनी है। मैं आपको बता दूँ, मैं कभी कॉपी नहीं कहता, मैं कहता हूँ कुछ क्रिएटिविटी आइडियाज़। तो मेरे पास एक क्रिएटिविटी आइडियाज़ ये है कि टैक न्यूज़ आप देंगे बिल्कुल उड़ती खबर की, जैसे जो फ़ोन लॉन्च होने वाला है, ठीक है, बजट फ़ोन, मैं सब फ़ोन की बात नहीं करूँगा, बजट फ़ोन, कि ऐसा एक फ़ोन जो बिल्कुल बजट में आता है इंसान के, यानी जो इंसान देखना चाहता है आप वो दिखाएं ट्रेंडिंग में। अब मैं आपको बताऊँ, जो आपको पसंद हो आप वो दिखाएं, जो आपको लगता है कि लोग देख सकते हैं वो दिखाएं। इससे क्या होगा, जो ट्रेंडिंग चीज़ डालेंगे तो उस पर लोग ध्यान से देखते हैं, जो यूट्यूब पर ना हो वो डालें, ऐसी जानकारी जो यूट्यूब पर अभी तक हो ही ना वो आप डालिए, जिससे क्या होगा जो इंसान सर्च करेगा तो केवल आपकी वीडियो आएगी उस। अब आप बताएंगे कि कैसे मैं कहूँ, जैसे आप सपोज आपके दिमाग में 10 आइडिया आए कि मैं 10 आइडियों पे वीडियो बना सकता हूँ, तो भाई आप YouTube पे सर्च कीजिए, अगर उस पर वीडियो आ रही है तो अपना आइडिया को ड्रॉप आउट कर सकते हैं आप, ठीक है। और उसी आइडिया पे अपनी, अगर वो रिजल्ट में दिखा रहा है नो रिजल्ट इस दिस कीवर्ड या दिस सर्च, तो सिंपल आप उस आइडिया पे अपनी वीडियो बनाएंगे। तो इससे क्या होगा, ऐसे कंटेंट आपका बन के आएगा आपके चैनल पर जो बिल्कुल यूनिक होगा। अब बात करते हैं सब्सक्राइबर्स। तो देखिए सब्सक्राइबर्स अगर आपके पास ज़्यादा होंगे, ठीक है, पूरी बात नहीं, अगर सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होंगे
तो व्यूअर्स के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सभी के फ़ोन स्क्रीन से सभी जब मोबाइल लैपटॉप चलाते हैं तो रिकमेंडेड में और सब्सक्राइबर्स में उनकी वीडियो जो शो होती हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा सब्सक्राइबर कैसे लें, वो बाद में बात करता है, आपका डिपेंड करता है। देखिए, सबसे पहले अगर उनके चैनल में या उनके चैनल में रिकमेंडेशन में दिखा रहा है या फिर उनके मोबाइल में दिखा रहा है, तो उसमें क्या होगा, आपका थंबनेल्स दिखाएगा। सबसे पहले थंबनेल्स दिखाएगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी थंबनेल्स लगाएं वो एकदम कंचा यानी बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ताकि थंबनेल्स देखते ही इंसान करे यार ये पर क्लिक कर देखूँ उस वीडियो में है क्या। ठीक है, तो फर्स्ट आपको ध्यान रखना है आपका थंबनेल्स अच्छा होना चाहिए, राइट। अब सेकंड थंबनेल्स बता दूँ, थंबनेल्स हो गया, सेकंड हो गया आपका वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट। ऐसा नहीं है, देखिए वीडियो में क्वालिटी ऐसी अच्छी रखनी चाहिए ताकि वीडियो में आप कंटिन्यू बोलते रहें। ठीक है, और वीडियो में ध्यान रहे, स्टार्टिंग में आपको ये नहीं बोलना है कि नमस्कार दोस्तों और क्या कहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि नोटिफिकेशन मिस ना करें, ये सब चीज़ नहीं बोले। क्योंकि अगर आप 30 सेकंड सोचे वॉच टाइम बढ़ाने के लिए अच्छा तरीका है, तो ये अच्छा तरीका नहीं है। इससे जितना भी व्यूअर होता है वो बोर हो जाता है और वो सोचता है क्या मुझसे पहले से सब्सक्राइब करने को बोल रहा है। अगर किसी को आपकी वीडियो पसंद आती है तो वो सब्सक्राइब करेगा करके, जैसे आपने कर लिया या आपने कर रखा है या आप करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जिसकी वीडियो में दम होगी वो होगा। तो आपको खाली कंटेंट पर ध्यान रखना है, अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा, ठीक है, अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो जब भी आप दोबारा वीडियो अपलोड करेंगे ना, तो आपके उसके माइंड में एक साइकोलॉजी फिट हो जाएगी, अरे ये बंदा टीटी फॉर यू वाली वीडियो देखती थी वो अच्छी थी, अब इसने नई वीडियो डाली देखूं जरा। जैसे मैं आपको बता दूं, मैं ABBY एबे वायरल की कोई भी वीडियो मिस नहीं करता हूं, और विवेक बिंद्रा की जो वीडियो है कभी मिस नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं करता हूं? आपको पता है टेक्निकल सर्टिफिकेट क्यों? क्योंकि मैं उनका फ़ैन बन चुका हूँ। इस तरीके से आपको दुनिया को फ़ैन बनाना है। और नंबर तीसरी बात, ये मत सोचना कि वॉच टाइम अगर नहीं हो पाया तो क्या होगा। मैं आपको बता दूं, यूट्यूब एक मार्केट टूल है अपने टैलेंट को दिखाने के लिए। अगर आप एक कॉमेडी हैं या कोई भी हैं, अगर आपका टैलेंट अच्छा है तो आप इस माध्यम से आगे अपनी जान पहचान बढ़ा सकते हैं, या लोग आपको ऑफर करेंगे आपके टैलेंट के क्षेत्र में। जैसे अगर कॉमेडी है, एक्टिंग है, तो आप सीरियल या मूवी वगैरह में जा सकते हैं। अगर आपके अंदर कुछ हैकिंग का है या फिर कुछ भी है, तो आप किसी कंपनी में लिथिकल हैकर होता है ना, वो बन सकते हैं, या फिर किसी टैग में टैग के साथ कोलैब करेंगे तो हो सकता है कोई टैग वाला बंदा आपको मिल जाए। इस तरीके से सब होता है। तो यूट्यूब एक मार्केट टूल है अपने टैलेंट को दिखाने के लिए। आप सेकंड बता दूँ, यूट्यूब पे क्या, यूट्यूब पे अगर वॉच टाइम अगर नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, नहीं कर पाए, यूट्यूब से आपको एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। एक तो आपकी सोशल रीच बन जाती है, जिससे आप किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करके एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह स्पॉन्सरशिप करके जितने भी लोग होते हैं वो भी आप रुपए कमा सकते हैं। तो देखिए ऐसा है, रुपए कमाने के बहुत तरीके हैं, रुपए कमाने की ज़िंदगी पड़ी है, अभी आपको नाम कमाना है। तो ध्यान रखें, मेरा नाम आशीष और मैं आपको ऐसी मोटिवेशन टिप देता रहूँगा। और 4000 घंटे की बात करें तो कैसे करें, तो भैया इसके लिए आगे मैं और भी एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ, उसमें पूरा एक्सप्लेन करूँगा। अभी तुम्हें केवल ऑडियो ब्रॉडकास्ट कर दिया आप लोगों के लिए, तो बहुत जल्द एक फेस कैम वीडियो आने वाली है। और मैं कहूँगा 4000 वॉच टाइम हो जाएगा, कोई हुआ नहीं है, इसमें बहुत डिटेल में वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग बिल्कुल बिल्कुल कुछ समझ पाएँ, कोई हुआ है ही नहीं, आप बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो बस मैं ये कहूँगा कि जितने भी यूट्यूबर ग्रुप हैं उसमें ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी जुड़े रहें हमारे साथ। और हाँ, submlm.com पे ज्वाइन हो जाना, ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आपको सब्सक्राइबर मिलेंगे, यानी मैं आपको फुल सपोर्ट करने के लिए राजी हूँ। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, जल्द हाजिर हूँ नेटिव साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए और बने रहिए मेरे साथ।